तो अब किसके लिए कर रहे हैं ये? टू दी डैश ऑफ ट्रेड पॉलिसी गोल्स, क्लैमर। क्लैमर का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ की डिमांड या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बेल वेदर, जो हमने पहले भी एक बार किसी आर्टिकल में पढ़ा था कि कुछ आप ट्रेंड सेटर, एक ट्रैक काइंड का ट्रेंड सेटर, आपने कुछ चीज़ करी वो एक ट्रेंड सा बन गया। अडॉप्शन, अडॉप्शन मतलब एक्सेप्ट करना, ठीक है। कंटोर्स, कंटोर्स मतलब जो आउटलाइन होती है ना किसी चीज़ की, कंटोर करते हैं, दैट इज कंटोर। तो जो अपनी ट्रेड पॉलिसी को कंटोर करने की बात करी जा रही है यहाँ पे, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन एक्शन प्लान फॉर इंस्टेंस लिस्ट्स एम टू अचीव देयर अचीव दैट आर एसेंशियल, एसेंशियल चीज़ें एंड इनएविटेबल, जिसको हम टाल नहीं सकते, क्या वो चीज़ें अचीव करने की कोशिश की जा रही है। लॉडेबल, प्रेजवर्दी चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है। फ्रेजाइल, बड़ी ही नाजुक, कमज़ोर, वीक चीज़ें करने की। या मोबाइल, मोबाइल मतलब कि फ्रीली मूव करने वाली चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे लॉडेबल को मतलब ज़रूरी बट प्रेजवर्दी चीज़ें करने की कोशिश कर रही है, जिनके जिनके लिए कोई नया तरीका नहीं इख्तियार कर। जैसे कि हमने बात करी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बाय रिड्यूसिंग ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड टाइम, पेटीएम, गूगल पे, ये सब चीज़ें कब आई? इसी इंप्रूवमेंट, इसी का कदम है जो इस तभी आई कि बिजनेस करना ईजी हो जाए, ठीक है। कार्गो को रिलीज करने में कम टाइम लगे, तो ये हमने पहले अगर देखा, अगर आपने होगा तो पहले के रिलेशन में अभी जल्दी ही होता है, बट और जल्दी किया जाए, हाँ वो एक पॉइंट हो सकता है। पेपरलेस हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें पेपरलेस हो चुकी हैं अब, बट पूरा कंप्लीटली पेपरलेस नहीं हुआ, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फॉलोइंग आउट ऑफ फोर ऑल्टरनेट चूज द वर्ड विच कैन सब्स्टिट्यूट, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमें बताना है। इनकेपेबल ऑफ बींग जस्टिफाइड और एक्सक्यूज, इनएक्सक्यूजेबल, ऑप्शन ए ही बन गया यहाँ पे सीधा, इनकेपेबल ऑफ बींग जस्टिफाइड और एक्सक्यूज। पार्टिसन, पार्टिसन मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ को बिना पूरा सोचे समझे ही सपोर्ट कर लग जाता है। होते हैं ना कुछ लोग बिन पहनती के लोटे, जो अभी आपने कुछ बोला, हाँ हाँ तू यार बिल्कुल सही बोल रहा है, सामने से दूसरा पर्सन आया जो आपका ओपोनेंट है, उसने कुछ बोला, यार बात तू एकदम सही भाई, तू एकदम सही बात कर रहा है, वो क्या हो गया? पार्टिसन। पेरेंसुला, पेरेंसुला एक ऐसा एरिया जो ऑलमोस्ट ऑल तरफ से समुद्र से घिरा होता है, जो एक आइलैंड टाइप ही होता है बट आइलैंड नहीं होता, ठीक है। एमेरिटस, एमेरिटस मतलब होता है कि किसी को अगर बड़े ऑनरेबली अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज किया जाता है, जैसे किसी ने पूरे 60 ईयर्स की ड्यूटी कर ली, 60 ईयर्स की जॉब कर ली, तो उसके बाद वो रिटायर होंगे, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं, उनको बड़ी बाइज्जत इज्जत, बड़ी इज्जत अफजाई के साथ में उनको रिटायर किया गया, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे सॉरी, ऑप्शन ए इज करेक्ट, इनएक्सक्यूजेबल। एक्ट ऑफ फॉरकास्टिंग बाय एग्जामिनिंग द प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन को एग्जामिन करके आप पहले ही फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको बता दें। ओड, ओड मतलब होता है कि आप एक ऐसी पोयम जो किसी के प्रेज में लिखी गई हो, किसी की प्रशंसा में लिखी। नॉकटर्नल, निशाचर। प्रोग्नोस्टिकेशन, एक्ट ऑफ फॉरकास्टिंग बाय एग्जामिनिंग द प्रेजेंट कंडीशन। प्रोसलाइट, प्रोसलाइट का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपको कोई पर्टिकुलर बिलीफ अपनाने के लिए परस्यू कर रहा हो, ठीक है। होते हैं ना जैसे कुछ धार्मिक संस्थान समझ लीजिए, या कुछ गांव में भी कुछ लोग होते हैं कि नहीं हमारे इष्ट जो हैं वो नाराज हो जाएंगे, आपको ये चीज़ माननी चाहिए, या फिर झाड़ू ऐसे नहीं ऐसे रखना चाहिए, या फिर ये नहीं ऐसे करना चाहिए। वो कुछ लोग होते हैं ना जो आप कुछ सेट ऑफ रूल समझाने की कोशिश करते ही रहते हैं, आपको उस तरफ ढालने की कोशिश करते रहते हैं, वो होते हैं प्रोसलिट। यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। फूड एग्रीज विद वंस टेस्ट, कोई ऐसा खाना जो आपके स्वाद अनुसार हो, ठीक है। तो क्या होगा? एक्चुअरी, एक्चुअरी मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो प्रीमियम कैलकुलेट करता हो, ठीक है। कार्निवोरस, मांसाहारी। पैलेटेबल, पैलेटेबल होता है जो ऐसा खाना जो आपके स्वाद अनुसार हो। प्रोटोकॉल, सेट ऑफ रूल्स, अगर आपको किसी फॉर्मल वे में बिहेव करना है तो उसका सेट ऑफ रूल्स जो होता है वो प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे ऑप्शन सी पैलेटेबल इज करेक्ट। हिज असिस्टेंट्स हैव
एंड आर स्टिल डूइंग एक्सलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उसके असिस्टेंट ने किया और अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उनके असिस्टेंट ने अच्छा काम किया, हैव डन एंड आर स्टिल डूइंग एक्सेलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ए में एरर था। देवर हैविंग अ बर्थडे पार्टी एट होम नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते होगा तो वर हैविंग तो नहीं होएगा, ठीक है, दे विल बी हैविंग या फिर दे आर हैविंग, ठीक है, क्योंकि आपने फ्यूचर की चीज बोली और वर हैविंग तो पास्ट की होगी, पास्ट कंटिन्यूएशन, तो पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर एक साथ नहीं ना आ सकते। यहाँ पे फिर विल बी हैविंग अ बर्थडे पार्टी एट होम नेक्स्ट वीक, यानी कि करेंगे वो, या फिर दे आर हैविंग, वो करने वाले हैं, ठीक है, तो ऑप्शन ए में एरर है। तो आज के सेशन में इतना ही, आर्टिकल की आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, और ऑडियो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, काफ़ी यूजर फ्रेंडली ऐप है, आपके वन क्लिक के, मोबाइल के वन क्लिक पे आपको आपका सारा लर्निंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा, ठीक है। आज के सेशन में इतना ही, कंटेंट पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं, उसी कड़ी में आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज फेलियर्स टीचर्स बोथ आर स्ट्रेंथ्स एंड आर वीकनेस, यानी कि आपको कोई भी निराशा हाथ लगी है, कोई भी आपको ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, तो उससे आपके स्ट्रेंथ यानी कि आपकी क्या ताकत है वो भी निखर कर आएगी, और आपकी क्या वीकनेस है वो भी आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे दोस्त कौन है, हमारे दोस्त की खाल में वो बोलते हैं ना, दोस्त की शक्ल लगा के नकाब पहन के दुश्मन जो हमारे साथ होते हैं वो भी हमें पता चल जाता है कि कौन लॉन्ग टर्म में हमारा साथ देने वाले हैं और कौन नहीं देने वाले, ठीक है। उसी तरीके से हमें ये भी पता चल जाता है कि हम कौन सी हमारी स्ट्रेंथ है, कौन सी हमारी वीकनेस है, राइट। हो सकता है कोई ऐसा कोई टॉपिक हो, ऐसी कोई चीज़ हो जो आपने सोचा हो कि ये मेरी बहुत अच्छी है, बहुत स्मूथ है, बट जब आप उसको करने लगे तब आपको उस बुरे टाइम में पता चले कि आपके ये कोई स्ट्रेंथ नहीं है। आपने हो सकता है इंजीनियरिंग करी, ठीक है, आप एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छे से करी, बट जब आपने जॉब वगैरह करी, रिसेशन का टाइम जिस टाइम ये कोविड आया था उस टाइम आपको पता चला कि इंजीनियरिंग से आप इतना अच्छा नहीं स्कोप कर सकते जितना आप इंग्लिश को पढ़ा के या मैथ्स पढ़ा के या साइंस पढ़ा के बच्चों को जितना अच्छा आप कंफर्टेबल भी फील करते हैं और अर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको हो सकता है उस टाइम पे पता चला कि मैथमेटिक्स आपका स्ट्रेंथ है, ऑल्दो आपने इंजीनियरिंग करी है, आप बहुत अच्छे थे उसमें, नो डाउट, बट कोविड ने आपको ये चीज़ सिखा दी कि आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, और उसको आप कभी भी एज अ करियर भी ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट है काफ़ी टाइम से आईटी रूल्स लेकर आने की कोशिश कर रही है, 21 में भी उन्होंने अटेम्प्ट करा, 2 में भी, 23 में भी, उसमें काफ़ी सारे अलग अलग क्लॉज वो लेकर आए, ठीक है। अभी इस आर्टिकल में एक जो क्लॉज है कि उसमें फेक न्यूज़ या फॉल्स न्यूज़ को आइडेंटिफाई करने वाली एक सब्सिडरी बनाई जाएगी, उसके ऊपर चर्चा की गई है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जैसे हम आप व्हाट्सएप वगैरह पे, फेसबुक पे, इन सब जगहों पे मैसेजेस वगैरह पढ़ते हैं, है ना, आपको फॉरवर्डेड मैसेज आते हैं कि इंडिया का नेशनल एंथम है, यूएन में बेस्ट नेशनल एंथम डिक्लेयर किया गया है, अपने हम सभी देशवासियों को इसके ऊपर प्राउड होना चाहिए, फलाना फलाना, और फिर उसको आप 100 लोगों को फॉरवर्ड करिए। क्या ये रियल था, असल सच्चाई थी इसमें? नहीं थी, बट आप में से कई सारे बच्चे अच्छी खासी ग्रेजुएशन कर चुके हैं जो स्टिल उन लोगों ने ये फॉरवर्ड किया होगा, हमारे पेरेंट्स जो हो सकते हैं बहुत अच्छे ऑफिशियल पोस्ट पे बैठे हुए हैं, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में ही कईयों के पेरेंट्स होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, है ना, हमारे पेरेंट्स, उन्होंने भी फॉरवर्ड किए ये बिना ये जाने कि उसकी सत्यता क्या है, वो कितना सही है, कितना गलत है, और उसके ऊपर से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है।
दुनिया के ऊपर, हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, हम नहीं देखने की ज़रूरत जहमत उठाते और हम आगे क्या कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इस तरीके की फेक और फॉल्स न्यूज़ को कर्ब करने के लिए, रोकने के लिए, कर्ब मिस इन्फॉर्मेशन कॉल्ड फॉल्स न्यूज़ एंड समवॉट इनकरेक्ट फेल्स न्यूज़, ठीक है, फॉल्स फेक न्यूज़, तो इनको रोकने के लिए भी उनने एक प्रोविज़न बनाया है इसके अंदर, ठीक है। उसमें बोला है कि जो भी मिसलीडिंग कंटेंट होगा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक यूनिट बनाएंगे, ठीक है, यानी कि एक और ऑर्गेनाइजेशन टाइप बना देंगे जो कि इन चीज़ों को चेक करेगा, ये बोला उनने। फिर अब इसके ऊपर प्रतिपक्ष मतलब ऑपोजिशन से क्या आया, मैं ये नहीं कह रही कांग्रेस से क्या आया, कांग्रेस नहीं, पर बहुत सारे जो नेटिजन्स हैं, जो ट्विटर्स यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, यूट्यूब वगैरह, उन लोगों की तरफ से ये आया कि हम लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं तो हमारे कंटेंट में अगर कुछ चीज़ें, सारी चीज़ें फैक्ट और फिगर तो नहीं हो सकते, है ना, तो कुछ ना कुछ तो उसमें हाइपोथेटिकल चीज़ें भी होंगी, अगर आप उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाने लगेंगे तो मतलब कोई भी जो है हमारे जो कंटेंट है वो देखेगा नहीं, लोग देखेंगे नहीं, हम आप हर चीज़ के ऊपर तो नहीं, जो भी आपके अगेंस्ट में बोलेगा आप उसको बोलोगे ये फेक है, ये फॉल्स है, ये देशद्रोही है, ये फलाना है फलाना है, और आप हर चीज़ को बंद कर दोगे, तो ऐसे तो नहीं चल सकता। उन्होंने इसमें क्या किया कि मीडिया कंपनीज़ को, जो सोशल मीडिया कंपनीज़ या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको भी उन्होंने बताया कि आपके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाएगा, जिसमें आपका जो प्रोटेक्शन ऑफ सेफ हार्बर है अंडर सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट है ना, उससे आपको बहिष्कृत कर दिया जाएगा, यानी कि आपके पास फिर वो नहीं रहेगा, सेफ हार्बर वाला जो कंसेप्ट है ना वो आपके पास नहीं रह जाएगा, अगर आपके मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए ज़्यादा ऐसी खबरें आती हैं। तो आप मेरे को बताओ कि यूट्यूब है, यूट्यूब पे करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपने अपने चैनल बनाए हुए हैं, राइट, अगर उसमें 50 लोग भी अपना कुछ भी गलत कंटेंट डालते हैं या ऐसा कंटेंट डालते हैं जो हमारी सरकार को नहीं पसंद आ रहा, तो क्या इसमें यूट्यूब का कसूर है, उसका कोई गलत इंटेंशन है, उसका तो गलत इंटेंशन नहीं है ना। तो इन चीज़ों से क्या होगा, हमारे जैसे आईटी कंपनी जो हैं, जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, वो इंडिया में क्यों काम करना चाहेंगी जब उनके ऊपर इतना रिस्क आ जाएगा, कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन अगर जाती है तो व्हाट्सएप है यहाँ पे क्यों काम करना चाहेगा, नहीं करना चाहेगा। तो उसमें क्या हुआ, उनमें उन्होंने बताया कि जो श्रेया सिंगल और यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस हुआ था, श्रेया सिंगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने कुछ गाइडलाइंस बताई थी, जिसमें ब्लॉक कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए कुछ क्लियर गाइडलाइंस दी थी, ठीक है। तो अगर हम ये एक्ट लागू करते हैं तो उन गाइडलाइंस की भी अनदेखी होगी, ठीक है। उन्होंने कुछ गाइडलाइंस उस टाइम पे बना दी थी कि अगर आपको कोई कंटेंट किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाना है, ठीक है, रिमूव करना है या उसको बैन करना है, तो उसका कुछ प्रोविजंस हैं, इसके अंडर में फॉलो करना चाहिए या ये स्टेप्स आपको फॉलो करना चाहिए। लेकिन अभी जो एक्ट अगर हम ला रहे हैं 23, अगर वो लागू होता है तो ये प्रोविजंस जो हैं, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रोविजंस बनाए गए हैं, ये सारे दरकिनार हो जाएंगे, जो कि एक बहुत गलत, हमारे जो हम फ्री मीडिया, फ्री देखो चौथा स्तंभ है मीडिया हमारे डेमोक्रेसी का, तो अगर वो सोशल मीडिया को हम इस तरीके से बैन करने की धमकी देकर हम उससे अपना मतलब निकलवाना चाहेंगे, जो हमें पसंद नहीं आ रहा हम उसको हटाते जाएंगे, तो फ्री वाला कंसेप्ट जो है वो हट जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या उन्होंने कहा कि यूनियन गवर्नमेंट इंटेंड्स टू क्रिएट अ चिलिंग इफेक्ट ऑन द राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, यानी कि उसको ख़त्म करने का, चिलिंग इफेक्ट मतलब उसको दुष्प्रयोग करने का, उसको ख़त्म करने का तरीका ढूंढ रही है यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी है, जो कि राइट टू स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो ये हमारा संवैधानिक अधिकार है उसको क्षति पहुंचाता है, ठीक है। तो इस आर्टिकल में ये सब चीज़ें बताई गई हैं, और जो राइटर है उन्होंने बहुत कठोर शब्द, जैसे चिलिंग इफेक्ट है, ऐसे कुछ कठोर शब्द यूज करते हुए बोला है कि ये सही नहीं है, जो ये डिसीजन है ये सही नहीं है, क्योंकि ये देखो उन्हें इस केस का भी एग्जांपल दिया, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, तो इसमें भी कहा कि उसके अगेंस्ट हो जाएगा, उस वर्डिक्ट के रन अफाउल हो जाएगा, यानी कि उसके अगेंस्ट चला जाएगा, उल्टा चला जाएगा उसके, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फैक्ट चेक यूनिट एडेड टू इन द आईटी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स 2023, बोल रहे क्या पर्पस है ये फैक्ट चेक यूनिट बनाने का। तो ये फैक्ट चेक यूनिट बनाने का यही पर्पस है कि कोई भी फेक रिपोर्ट है, फेक न्यूज़ है, उसको आइडेंटिफाई किया जाए,
जो भी मिसलीडिंग कंटेंट है सरकार से रिलेटेड या सरकार के खिलाफ, उसको हटाया जाए, उसको आइडेंटिफाई किया जाए, उसको हटाया जाए, यही है मेन पर्पस। पहला ऑप्शन देखते हैं, टू जनरेट मोर फेक न्यूज़, ज़्यादा फेक न्यूज़ बनाना, नहीं, टू प्रोटेक्ट सोशल मीडिया कंपनीज फ्रॉम लाइबिलिटीज, कि उनके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं रहेगी, ये उनका जवाबदेही नहीं रहेगी, ऐसा भी नहीं है। टू आइडेंटिफाई एंड रिपोर्ट फेक और फॉल्स और मिसलीडिंग ऑनलाइन कंटेंट रिलेटेड टू द गवर्नमेंट, सही है बिल्कुल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। वॉट इज द कॉन्सिक्वेंस फॉर इंटरमीडियरीज इफ दे फेल टू टेक एक्शन अगेंस्ट कंटेंट आइडेंटिफाइड बाय द फैक्ट चेक यूनिट? अगर बोल रहे हैं कि जो भी इंटरमीडियरीज या सोशल मीडिया हाउसेज हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर वो कोई भी एक्शन नहीं ले पाए उन व्यक्तियों के पीछे या उन संगठनों के पीछे जिन्होंने जो ये फैक्ट चेक यूनिट ने जिनको बोला है कि ये गलत कंटेंट है, उनके अगेंस्ट वो कोई एक्शन नहीं ले पाए, तो उनके अगेंस्ट क्या कार्रवाई की जाएगी? तो उनको ये धमकी दी गई है कि आप अपना सेफ हार्बर वाला जो एक स्टेटस है वो लूज कर जाएंगे, आपको जो प्रोटेक्शन यहाँ पे दिया जा रहा है, जिस तरीके का वर्क एनवायरनमेंट के लिए आपको जो सेफ्टी दी जा रही है, सेफ हार्बर के अंदर में कंसेप्ट है वो अंडर सेक्शन 79, वो हटा दिया जाएगा, आप वो खो सकते हैं, ठीक है? तो ये कहाँ मेंशन है, दे विल लूज देयर सेफ हार्बर प्रोटेक्शंस अंडर सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट। ओके, बिल्कुल सही है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द इम्पैक्ट ऑफ आईटी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स 2023 ऑन फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया? ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब करती है कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर, ठीक है, हमारी फ्रीडम, मीडिया की फ्रीडम के ऊपर? तो मीडिया की फ्रीडम को तो वो कर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, जहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया था कि ड्रैकोनियन सेंसरशिप लगाई जा रही है। तो द अमेंडमेंट रूल्स एंश्योर एक्यूरेट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन बाय एस्टैब्लिशिंग अ फैक्ट चेक यूनिट, कि ये मेक श्योर करेगा कि हमें एक्यूरेट और रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है? तो सिर्फ ये मेक श्योर नहीं करेगा, वो कुछ भी चीज़ को आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ भी बोलेंगे, एक तरह से तानाशाही वाला रवैया कि आप हमारे अगेंस्ट कुछ बोलेंगे तो वो चीज़ गलत है, ठीक नहीं है, हमारे अगेंस्ट आप कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है? जैसे बच्चे कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, मेरा कैरम बोर्ड है यानी कि मैं हार नहीं सकता, मैं ही जीतूंगा, नहीं तो मैं लेके जा रहा हूँ, वो वाला कंसेप्ट होता है ना, या मेरा बैट है, पहले बैटिंग मैं करूंगा, अदरवाइज मैं लेके जा रहा हूँ। तो वैसा ही चीज़ यहाँ पे करने की कोशिश की जा रही है कि आप हमारी सरकार है, आप हमारी सरकार के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेंगे, अदरवाइज हमारे अगेंस्ट आपने बोला वो सब कुछ फॉल्स और फेक और मिसलीडिंग के अंडर में आ जाएगा, और फिर उसको क्या करेंगे, सेंसरशिप लगा देंगे उनके ऊपर। द अमेंडमेंट रूल स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड मीडिया, ये तो बिल्कुल ही उल्टा है, इसके बाद तो गवर्नमेंट और मीडिया के जो रिलेशनशिप है वो और ख़राब हो जाएंगे, इनफैक्ट गवर्नमेंट जो है उसका हस्तक्षेप ज़्यादा हो जाएगा मीडिया के अंदर, और मेरे को नहीं लगता कि कोई भी मीडिया हाउस ये चीज़ चाहता है। अगर हमें फ्री और ओपन इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, कि बिल्कुल बायस ना हो, अनबायस चाहिए, तो वो हमें तभी मिल सकती है जब गवर्नमेंट का उसके ऊपर कम से कम हस्तक्षेप हो। द अमेंडमेंट रूल्स मेक नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द फ्रीडम ऑफ प्रेस, बोले कुछ कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, बहुत खासा इफेक्ट पड़ने वाला है। द अमेंडमेंट रूल्स एम्पावर द गवर्नमेंट टू बिकम द सोल आर्बिटर ऑफ फॉल्स और फेक न्यूज़, की गवर्नमेंट इकलौती बन जाएगी जो ये तय करेगी कि न्यूज़ सही है या गलत है, ठीक है, पोटेंशली लीडिंग टू ड्रैकोनियन सेंसरशिप, और जिस वजह से वो क्या कर सकते हैं, बड़े ही कठोर सेंसरशिप लगा सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। ड्रैकोनियन का मतलब होता है कठोर, बड़ी ही कठोर पर साथ साथ में गलत, ठीक है, यानी कि गलत और कठोर, एक तो हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर कठोर होते हैं बट वो सही है हमारे लिए, बट यहाँ पे ड्रैकोनियन का मतलब कि गलत तरीके से आप कठोर हो रहे हैं, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। वॉट इज द टोन ऑफ पैसेज रिगार्डिंग दी आईटी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स 2023? तो क्या इनका टोन है, इनका क्या उनने इसको सराहा है, सपोर्ट किया है? नहीं, उनने क्रिटिसाइज किया है, बिल्कुल सही। न्यूट्रल है? नहीं, न्यूट्रल भी नहीं है, उनने कहा है कि ये बड़ा ड्रैकोनियन है, पहली बात तो सबसे अभी हमने लास्ट एक क्वेश्चन में पढ़ा, ड्रैकोनियन बताया है। दूसरा उनने चीज़ बताया है कि जो ये है फेक और फॉल्स, ये गवर्नमेंट के पक्ष में ही सिर्फ एकमात्र अधिकार दे देगा, है ना, तो ये गलत हो जाएगा, न्यूट्रल तो नहीं है,
एंथुजियास्टिक यानी कि एक तरह से सपोर्टिव, उसको प्रोत्साहन कर रहे हैं, बड़े खुश हैं उसके लिए, तो ऐसा भी नहीं है. ऑप्शन बी क्रिटिकल इज करेक्ट. अकॉर्डिंग टू पैसेज, व्हाट इज प्राइमरी कंसर्न विद द आईटी अमेंडमेंट रूल्स 2023? इसका प्राइमरी कंसर्न क्या है कि गवर्नमेंट जो है ज़्यादा हस्तक्षेप करेगी और उसमें क्या है, सेंसरशिप का एक एंगल आ जाएगा कि आप हर चीज़ को सेंसर कर रहे हैं, हर चीज़ को पहले आपके अप्रूवल से होके गुजरेगी. अगर हमने कोई न्यूज़ भी चलानी है, अगर गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं करी तो बीच न्यूज़ चलते चलते वो बंद, ठीक है. यानी कि गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं करी तो हमारे पास ज़रूरी नहीं है हर चीज़ सच और सही पहुंच रही है, ठीक है. हो सकता है कि हमें सिर्फ वही चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बताई जा रही हैं जो सरकार के पक्ष में है, ठीक है. पहला है एनकरेजमेंट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, कि मिस इन्फॉर्मेशन को बढ़ावा मिलेगा. गवर्नमेंट ओवररीच एंड पोटेंशियल सेंसरशिप, कि गवर्नमेंट की ज़्यादा हस्तक्षेप हो जाएगा और सेंसरशिप लगाई जाएगी, ठीक है. स्ट्रेंथनिंग द राइट टू फ्री स्पीच, कि फ्री स्पीच के अधिकार को और मजबूत किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है, उसको तो और ज़्यादा कर्ब कर दिया गया, कम कर दिया गया. एनकरेजिंग कोलैबोरेशन बिटवीन मीडिया एंड गवर्नमेंट, कि मीडिया और गवर्नमेंट के बीच में कोलैबोरेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये भी गलत है, बीच में बल्कि और एक गहरी खाई खुदती जा रही है. ऑप्शन बी गवर्नमेंट ओवररीच एंड पोटेंशियल सेंसरशिप इज द करेक्ट आंसर. व्हाट इज द सिनोनिम फॉर टर्म ड्रैकोनियन एज यूज्ड इन पैसेज? अब ड्रैकोनियन मैंने आपको बताया था बड़ा ही कठोर, ठीक है, दंडनीय तौर पे कठोर, यानी कि नेगेटिव सेंस में. तो लीनियंट, लीनियंट मतलब होता है कि थोड़ा सा ढिलाई बरत देते हैं, है ना, आपके लिए आपके पेरेंट्स थोड़े से लीनियंट हो जाते हैं, तो लीनियंट तो कठोर नहीं हो सकता. सीवियर, सीवियर भी मतलब हार्श, कठोर. ईजी गोइंग, ईजी गोइंग भी जैसे कि थोड़ा सा ढिलाई बरत दी या थोड़ा सा छूट दे दी, जैसे मम्मा को गुस्सा आया लेकिन आपकी प्यारी सी स्माइल देख के मम्मा थोड़ी ईजी हो गई, ईजी गोइंग हो गए, कि अभी ज़्यादा नहीं डांटते नहीं तो ये रो देगा, या फिर अभी इतना हंस दिया इसने अब क्या इसको डांटना, है ना. हो जाता है ना कभी कभी, पेरेंट्स हमारी तरफ बायस्ड होते ही हैं. टॉलरेंट, हमारे आप हमें बर्दाश्त करना, पेरेंट्स से ज़्यादा कौन समझ सकता है, ठीक है. तो टॉलरेंट मतलब किसी को बर्दाश्त करना, किसी मतलब उतना अपने अपने अंदर सहन शक्ति रखना. तो बी ऑप्शन सीवियर इज करेक्ट. अनफेटर्ड, अनफेटर्ड का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, रिस्ट्रेन लगा रहे हैं, ठीक है, रोक रहे हैं किसी चीज़ को, तो इसका एंटोनिम बताना है. अनरिस्ट्रिक्टेड, अनबाउंड, हिंडर्ड, या अनब्रिडल्ड. तो अब देखो, हिंडर्ड मतलब होता है रोकना, हिंड्रेंस मतलब रोकना. अनरिस्ट्रिक्टेड, अनफेटर्ड का अनरिस्ट्रिक्टेड ऑप्शन ए इज करेक्ट. ग्रोस्टिक, ग्रोस्टिक का मतलब होता है ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को मतलब बड़ा ही, कोई चीज़ है जो बड़ी देखने में बिगड़ी हुई सी, यानी कि जिसका ढांचा ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसा होना चाहिए. होता है ना कई बार हम राउंड रोटी बनाने की कोशिश करते हैं और वो इंडिया का या किसी और देश का नक्शा टाइप बन जाता है, तो वो क्या है, डिसफिगर्ड, ठीक है, यानी कि डिस्टॉर्टेड और डिसफिगर्ड. तो यहाँ पे देखो ऑप्शन बी, देखो डिस्टॉर्टेड, जो कि इसी का मतलब है डिस्टॉर्टेड, यानी कि किसी का ढांचा बिगड़ना, ओके. तो ऑप्शन बी डिस्टॉर्टेड इज करेक्ट. सेलियंट, अब हम बोलते हैं ना इसके सेलियंट फीचर्स जो हैं वो क्या होते हैं, सेलियंट फीचर्स जिसको कई बच्चे सलाइंट फीचर्स भी बोलते हैं, सेलियंट फीचर्स होते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो हैं, या प्रोमिनेंट जो उसके अंदर जो भी उसकी खूबियाँ हैं, ओके. तो सेलियंट मतलब बड़ा ही प्रोमिनेंट. अब इसका एंटोनिम हमने बताना है, तो प्रोमिनेंट तो इसका एंटोनिम नहीं हो सकता, वो तो इसका सिनोनिम होगा. सिग्निफिकेंस हो सकता. कॉन्स्पिशियस, कॉन्स्पिशियस मतलब होता है एकदम क्लियरली विजिबल, नोटिसेबल भी मतलब होता है कि आपको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है. इनसिग्निफिकेंट यानी नॉट सो प्रोमिनेंट, ऑप्शन ए इनसिग्निफिकेंट इज करेक्ट. विच ईडियम बेस्ट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द मीडिया अकॉर्डिंग टू द पैसेज? गवर्नमेंट और मीडिया के बीच में जो रिश्ता है
वो कैसा बता रहे हैं ईडीएम के जरिए, तो वो यही कहा है कि कम से कम एक हाथ की दूरी होनी चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट और मीडिया के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस क्यों होना चाहिए? ताकि गवर्नमेंट जो है वो मीडिया के काम में हस्तक्षेप ना करे, मीडिया मीडिया की खबरें जो है वो गवर्नमेंट के काम में हस्तक्षेप ना करें। ठीक है, तो इसलिए दोनों के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए जितना हो सके। टू बरी द हैचेट, टू बरी द हैचेट का मतलब होता है कि आपने अपना जो भी झगड़ा है उसको साइड में रख के दोस्ती कर ली। टू कीप एट आर्म्स लेंथ, बोल रहे हैं कि एक हाथ दूरी पर रहना। ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है, दोनों को दूर रहना चाहिए, कम से कम इतना तो दूर रहना चाहिए कि एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप ना कर सके। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, इसका मतलब होता है कि आप जो है किसी पर्सनल रीजन से किसी कुछ काम कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे कि सपोज करो आपको कोई केस मिला, अगर आप सपोज करो एक आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है, आपको किसी पर्सन का कोई केस मिला, तो आप उसमें ना सच झूठ जो भी है वो ढूंढना इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि वो पर्सन आपके बहुत क्लोज है, आपका फ्रेंड भी है साथ में। ठीक है, तो इसलिए आप सच का पता लगा रहे हैं, आपका पर्सनल एंगल भी है। ओके, तो कुछ पर्सनल फीलिंग्स अटैच होना किसी कारण को करने के लिए इज कॉल्ड हैव एन एक्स टू ग्राइंड। टू गो हैंड इन हैंड मतलब एक दूसरे के पूरक होना, एक साथ चलना, यानी कि डेस्टिनी एंड हार्डवर्क गो हैंड इन हैंड, यानी कि मेहनत के साथ साथ में आप किस्मत, किस्मत के साथ साथ में आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी तभी आप सफल हो सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें। सो यहाँ पे ऑप्शन बी टू कीप एट आर्म्स लेंथ इज करेक्ट। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फॉर्म अ कोहरेंट पैराग्राफ। एनओसी फ्रॉम पेरेंट्स, कॉपी ऑफ फादर्स पैन कार्ड, लेटर फ्रॉम अ लोकल गार्डियन एंड सो ऑन। एज वन यंग पर्सन रूफुली ऑब्जर्व, यानी कि एनओसी, पेरेंट्स से एनओसी चाहिए, पापा के आधार कार्ड की या पैन कार्ड की फोटो कॉपी चाहिए, किसी लोकल गार्डन से लेटर चाहिए और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, किस चीज के लिए चाहिए आगे देखते हैं। एज वन यंग पर्सन रूफुली ऑब्जर्व, बड़े दुखी मन से देख रहा है, इट्स गॉटन टू द पॉइंट वेयर लैंड, जैसे किसी एक एक ये नौजवान को बड़े दुखी मन से ऐसे देख रहे हैं, तो इस तरीके तक पहुंच चुका है, इस हद तक पहुंच चुका है वेयर लैंडलॉर्ड्स कुड डिमांड टू सी योर जन्म कुंडली एंड यू वुड बी हैप्पी टू गिव इट जस्ट टू बी अलाउड टू रेंट अ हाउस और अ फ्लैट। वो ने इस हद तक कि इतना, अब जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है ये इतना हद तक गिर चुका है कि अब थोड़े कुछ टाइम में कोई तो लैंडलॉर्ड होंगे जो आपकी जन्म कुंडली तक मांग लेंगे कि भाई अपनी जन्म कुंडली दिखा दो, अगर आप हमारे मकान के लिए सही नहीं हुए, हमारे साथ मैच नहीं करे, तो हम आपको नहीं रखेंगे। और आप बड़ी खुशी खुशी अपनी जन्म कुंडली दे भी देंगे क्योंकि आपको घर या फिर मकान किराए पे बहुत ज़रूरी चाहिए, ऑब्वियसली बात है, आप अगर कहीं दूसरे शहर में नौकरी करने जा रहे हैं तो आप उसके बिना तो सर्वाइव करना मुश्किल है, राइट। अदर साइड इन कमिसरेशन शेयरिंग देयर ओन स्टोरीज ऑफ पेक्यूलियर डिमांड्स ऑफ होम ओनर्स। ठीक है, और ये आगे कंटिन्यूएशन में, यानी कि इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। और जो दूसरे थे उन्होंने इसके ऊपर मतलब क्रोधित होके या फिर डिस्कम्फर्ट दिखाया क्योंकि उनने खुद भी अपनी स्टोरी शेयर करी जब उनके साथ में भी हाउस ओनर्स ने कुछ बड़ी ही अजीबोगरीब सी घटिया किस्म की डिमांड्स रख दी थी। ठीक है, व्हेन अ बेंगलुरु मैन रिसेंटली पोस्टेड ऑन ट्विटर द डिमांड्स दैट द प्रोस्पेक्टिव लैंडलॉर्ड हैड मेड बिफोर रेंटिंग हिम अ फ्लैट, लिंक्डइन प्रोफाइल एंड अ स्मॉल राइटअप अबाउट हिमसेल्फ, द रिस्पॉन्स हिज स्टोरी गॉट फेल इन टू टू कैटेगरीज। बोल रहे कि अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ, एक बेंगलुरु के किसी व्यक्ति ने ट्विट अपने रीसेंट इंसिडेंट जो है शेयर किया ट्विटर पे, जहाँ पे उनने बताया कि जिस घर को वो खरीदना या जिस घर पे वो एज अ टेनेंट जाना चाहते थे, जो उनने पसंद किया था, वहाँ पे लैंडलॉर्ड ने उनसे क्या क्या चीज़ें डिमांड करी, क्या डिमांड करी, उनके लिंक्डइन प्रोफाइल और एक स्मॉल राइटअप बताया कि अपने बारे में मेरे को कुछ शब्दों में लिख के बताओ। ठीक है, ये कहा उनने, और बोल इसके ऊपर जो रिस्पॉन्स आया वो काफ़ी मिक्स तरीके का रिस्पॉन्स था। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, ओपनिंग स्टेटमेंट हो गया, किस बारे में बात करें। वन सेट ऑफ ट्विटराती, ट्विटराती कौन होते हैं, वो लोग होते हैं जो लोग ट्विटर का यूज़ कर रहे होते हैं, ट्विटर पे अपने कमेंट्स देते हैं, कपिल शर्मा शो में भी हम देखते हैं ट्विटर पे, देखते हैं आपको नीचे क्या कमेंट्स मिले आपके फोटो के ऊपर, वैसे ही ट्विटराती होते हैं जो अपना जो भी किसी दूसरे की व्यक्ति की उसमें भी अपनी नाक घुसेड़ के उधर कुछ ना कुछ कमेंट करते रहते हैं। तो वन सेट ऑफ ट्विटराती एक्सप्रेस्ड ग्रेट एस्टोनिशमेंट ओवर द इंसिडेंट,
एक्सक्लेमिंग अबाउट द अनरीजनेबलनेस ऑफ लैंडलॉर्ड्स। एक दबका था जिनने बड़ा ही अचंभा दिखाया कि ऐसा कैसे, इतना अनरीजनेबल डिमांड्स कैसे कर सकते हैं कोई भी लैंडलॉर्ड्स। ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट, क्योंकि दो कैटेगरीज की बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट ये हो गया, थर्ड स्टेटमेंट हो गया। और दूसरे जो हैं वो बड़े ही निराशा या बड़े ही क्रोधित स्वर में उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर करी, ठीक है। ये थर्ड स्टेटमेंट हो गया। होम ओनर्स NOC फ्रॉम पेरेंट्स, जिसमें क्या क्या NOC पेरेंट्स से कॉपी, फादर के पैन कार्ड की कॉपी या लोकल गार्डियन का लेटर और सो ऑन, ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। ये फोर्थ हो गया। अब फिफ्थ हो गया कि बड़ी दूर नहीं है जब आपसे कुंडली मांग ली जाएगी, ठीक है। तो STRPQ, STRPQ, STR, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑन द फ्लिप साइड, अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस डीपनिंग कॉन्ट्रैक्शन इज दैट द कंट्रीज ट्रेड डेटा रिलीज बाय द, बोल रहे हैं कि इसकी दूसरा पहलू अगर हम देखें तो जो ये जो कॉन्ट्रैक्शन डीपनिंग के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, यानी कि जो मंदी और गहरी होती जा रही है, मंदी और रोज़ के रोज़ बढ़ रही है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं किसी देश के ऊपर, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। ट्रेड data released by Ministry of Commerce and Industry last week showed that India's merchandise export imports continued to contract in February, pointing towards slowing momentum across both the global and domestic economies. Trade data release हुआ Ministry of Commerce और Industries का, जिसमें उन्होंने बताया कि इंडिया के merchandise exports और imports दोनों ही कम हुए हैं, ठीक है, कौन से महीने में, फरवरी में। और जिसने किस तरफ इशारा किया है, इशारा किया है कि जो मोमेंटम में स्लो आया है, डिप आया है उसकी तरफ पूरे ग्लोबल और डोमेस्टिक इकोनॉमीज में, यानी कि डिप आ रहा है। जो हम इतने टाइम से बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक मंदी आने वाली, इकोनॉमिक मंदी आनी है, वो असल में अब इम्पैक्ट दिखने शुरू हो गए हैं। ये हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट हो सकती है, क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है कि ट्रेड डेटा रिलीज हुआ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का, उसी के बारे में आगे चर्चा हो रही है, ठीक है। Merchandise exports fell by 8.8% in February. जो February में merchandise export था वो 8.8% तक गिर गया, after declining by 6.6% in January. January में 6.6% था, गिरा था। 3.1% कब गिरा था, December में। While imports declined by 8.2% in February. Imports कितना गिर गए, 8.2%, आफ्टर फॉलिंग बाय 3.6% इन जनवरी, ठीक है। ये डेटा बता दिया उन्होंने सारा। मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट नैरोड फर्दर टू 17.4 बिलियन इन फरवरी। मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट जो हुआ, ट्रेड में जो कमी आई, वो कितनी सिकुड़ गई है, 17.4 बिलियन फरवरी के महीने में, ओके, बिलियन डॉलर। स्पेशली वारिंग इज द डीपनिंग ऑफ पेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन बोथ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। खास तौर पर चिंताजनक क्या है कि जो जिस रफ्तार से कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, जिस रफ्तार से गिरावट आ रही है ना, चाहे वो एक्सपोर्ट हो चाहे इम्पोर्ट हो, दोनों में ही जिस रफ्तार से ये गिरावट आ रही है, वो ज़्यादा चिंता का विषय है, ठीक है। डोमेस्टिक, बोथ ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इकोनॉमीज, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। इसके बाद टी जो है हमारा सेकेंड स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, फिर उसके ऊपर बताया जा रहा है कि क्या क्या चीज़ें उसमें कमी आई, थर्ड स्टेटमेंट। इसी की कंटिन्यूएशन में आगे चलेगा, इसका जो फ्लिप साइड है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए, जो कॉन्ट्रैक्शन डीपनिंग हो रही है उसके लिए, ये आ जाएगा फोर्थ स्टेटमेंट। और इसी को आगे फर्दर कंप्लीट करेगा हमारा, मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट जो है वो नैरो हुआ है, सिकुड़ा है, ठीक है। जो कमी आई है मर्चेंडाइज ट्रेड में वो सिकुड़ गई है, कितनी, 17.4 बिलियन डॉलर्स तक। तो ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ स्टेटमेंट। QTQ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन हिज इंट्रोडक्शन टू द वर्ल्ड इज व्हाट इट इज, अपने जो इनकी किताब है द वर्ल्ड इज व्हाट इट इज, उसके इंट्रोडक्शन में द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ V.S. नायपुल, किसकी किताब है ये, ऑथराइज्ड बायोग्राफी है किसकी, V.S. नायपुल की, 2008 में लिखी गई थी।
I wrote then that the aim of a biographer should not be to sit in judgment, but to expose the subject with ruthless clarity to the calm eye of the reader. बोल रहे हैं कि उस टाइम पे उन्होंने ये लिखा था, वो कह रहे हैं कि मैंने उस टाइम पे ये लिखा था कि किसी भी बायोग्राफर का जो एम है वो ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी की किसी को जज करने बैठ जाएं, कि अगर कोई आपको अपनी बायोग्राफी बता रहा है, अपनी कहानी बता रहा है, तो आप उसको जज करने बैठ जाएं, ये मतलब नहीं होना चाहिए. आपको बिल्कुल अनबायस्ड होके जो उनकी बात है, जो सामने वाले की बात है, वो आपको बिल्कुल अनबायस्ड होके लिखनी चाहिए, और इतनी साफ और स्पष्टता से लिखनी चाहिए कि कोई भी रीडर है उसकी आंखों के ऊपर अगर कोई पर्दा, गलत इमेज, कुछ भी गलत इमेज या सही इमेज भी है तो और ज़्यादा मजबूत हो जाए, अगर गलत इमेज है तो उसकी धूल हट जाए. ठीक है, इतना साफ उसका बिहेवियर होना चाहिए. और उस टाइम पे उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि इनको बुरा लग जाएगा, किसी दूसरे को बुरा लग जाएगा, ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए. समटाइम्स अ क्रिटिक और अ बायोग्राफर कैन सी थिंग्स दैट एन ऑथर कैन नॉट. लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई क्रिटिक होता है या फिर बायोग्राफर होता है, उसको ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जो कोई ऑथर नहीं जान सकता. ठीक है, यानी कि आप अगर सपोज करो मैं मनमोहन सिंह जी के ऊपर मैं किताब लिखना चाहूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं जो भी लिखूँगी वो मेरे ऑब्जर्वेशन होंगे अपने जो समाज में, क्योंकि मैं उनको जानती नहीं हूँ. ठीक है, मैं उनको मिली नहीं हूँ, कभी देखा नहीं, समझा नहीं. ठीक है, मैं उनके जो भी अभी तक के डिसीजंस हुए उनके बेसिस पे मैं उनको लिखूंगी. लेकिन जो संजय बंगारू ने लिखी राइट बुक इनके ऊपर, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उसमें क्योंकि उनने उनके साथ में काम भी किया था और वो उन्हीं के कुछ काम के तरीकों से निराश होकर छोड़ के गए थे, डिफरेंट ओपिनियन की वजह से अलग हुए थे, जबकि उन्हीं को सराहते हुए वो आए भी थे. ठीक है, तो डैट मीन्स उन्होंने दोनों उनके पहलू देखे हैं, जिन वजह से वो नाराज़ भी हुए, जिन वजह से वो खुश भी रहे. तो उनने एकदम भली अनबायस टाइप की बायोग्राफी लिखी है. देयर इज अ थिन लाइन दैट सेपरेट्स अ गुड बायोग्राफी फ्रॉम अ हैगियोग्राफी. अ डिस्क्रिशन एट द डिस्पोजल ऑफ ओनली द मोस्ट डिसकंसर्निंग ऑफ बायोग्राफर्स. बोल रहे हैं कि एक बड़ी ही बारीक लाइन है किसके किसके बीच में, कि कोई बायोग्राफी लिखी और कहीं पे आपने अपना ओपिनियन किसी के ऊपर थोप दिया है. ठीक है, अपना जो भी आपका ओपिनियन था वो आपने किसी के ऊपर थोप दिया, तो बोल रहे कि आपने कुछ भी लिखना है ना, उसमें डिस्क्रिशन नहीं होना चाहिए. कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मैंने जैसा कि बताया कि आप बायोग्राफी लिख रहे हैं, अपने ओपिनियन थोपे जा रहे हैं, कि उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा कि जो रीडर है, जो सपोज करो कि मैंने अगर अटल जी के ऊपर कोई बायोग्राफी लिखी, उनके बारे में लोग कितना अच्छा कितना सही जानते हैं और समझते हैं, उनको क्रेजी करते हैं. अब मैं वही चीज़ें नज़रिया लिखूँ, हो सकता है उनने कुछ गलत फैसले भी लिए हों कभी, लेकिन मैं अगर उनके ऊपर ना लिखूँ तो जनता के सामने वो चीज़ें कभी आएंगी नहीं. फिर बायोग्राफी लिखने का क्या मतलब, ऑलरेडी हज़ारों बुक्स अटल जी के ऊपर पहले ही पड़ी हुई हैं, तो नई बुक लिखने का पर्पज़ क्या है, क्या नया मैं देने वाली हूँ. ठीक है, तो कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आप किसी को अपना ओपिनियन थोप रहे हैं किसी के ऊपर. पैट्रिक फ्रेंच रोट, माई अप्रोच टू राइटिंग बायोग्राफी इज वॉट इट वॉज वेन आई बिगैन माई फर्स्ट बुक. उसी पे किसी दूसरे राइटर पैट्रिक फ्रेंच ने कहा है कि मेरा जो अप्रोच है राइटिंग की तरफ वो ऐसा है जैसे कि जब मैंने अपनी फर्स्ट बुक रखी थी वैसा था, यानी कि अनबायस्ड. क्योंकि कई दफ़े होता है कि आप बार बार बहुत सारी चीज़ें लिखते जाते हैं ना, तो आपका ओपिनियन जो है, आपको कई चीज़ों की समझ आती है, क्लैरिटी आती है, आपका ओपिनियन चेंज होता है. बट मैं उसी नज़रिए से लिखता हूँ जिस नज़रिए से मैंने अपनी पहली बुक लिखी थी. एज मैनी राइटर्स हैव अटेस्टेड द आर्ट ऑफ बायोग्राफी इज़ नोटोरियसली डिफ़िकल्ट टू पिन डाउन. जैसा कि कई राइटर्स ने कहा है, जो बायोग्राफी की आर्ट है वो बड़ा ही मुश्किल है कि उसमें पिन पॉइंट कर सके कि इसमें आपको बायोग्राफी लिखनी है तो आपको ये सोचना चाहिए, ऐसे नहीं सोचना चाहिए, ऐसे सोचना चाहिए, ये ओपिनियन रखना चाहिए, ये कुछ भी पॉइंट आउट करना बड़ा मुश्किल है. क्योंकि हर एक का बायोग्राफी लिखने का तरीका, ओपिनियन अलग अलग है, डिफरेंट है. तो आप किसी को ये नहीं कह सकते कि नहीं, तुम जैसे सोच रहे हो, तुम जैसे लिख रहे हो वो गलत है, ऐसे मत लिखो, ये कुछ सेट ऑफ रूल्स है, आप इनको फॉलो करते हुए बायोग्राफी लिखो, ऐसा आप कभी भी नहीं कर सकते. राइट, तो स्टार्ट करते जो 13 है कि अपने इंट्रोडक्शन में उन्होंने क्या कहा. उन्होंने ये कहा, आई रोट फर्स्ट, उन्होंने ये कहा
जो पैट्रिक फ्रेंच है उन्होंने लिखी है बायोग्राफी, तो उन्होंने कहा कि मेरी अप्रोच क्या थी कि बायोग्राफी लिखने के लिए, कि जब मैंने वही अप्रोच थी जो मैंने अपनी फर्स्ट बुक लिखी थी जब, तब जो मेरी अप्रोच थी। ये सेकंड हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम कि आई रोट, मैंने उस टाइम पे किस एम से लिखी थी। मैंने उस टाइम पे ये लिखा था कि किसी भी बायोग्राफर का ये एम नहीं होना चाहिए कि जजमेंट करे। ये पैट्रिक फ्रिक की बात कर रहे हैं, उनके ही आगे स्टेटमेंट कंप्लीट करें, थर्ड स्टेटमेंट। उसके बाद ये बताते हैं कि जो राइटर है उसका कोई एक आर्ट नहीं बता सकते बायोग्राफी लिखने का। ठीक है, ये हो गया फोर्थ। और फिफ्थ आ गया हमारा कि बहुत बारीक लाइन होती है बायोग्राफी और हैगियोग्राफी के बीच में। ठीक है, फिफ्थ आ गया। तो पी एस क्यू टी आर, पी एस क्यू टी आर, पी से दो स्टार्ट हो रहे हैं तो फर्स्ट दो तो एलिमिनेट हो गए। पी एस क्यू टी आर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड टू ऑफिस ऑन द बैक ऑफ सपोर्ट ऑफ द पाकिस्तान मिलिट्री टर्न्स अगेंस्ट हिज पैट्रन्स। बोल रहे हैं कि एक जो पुराने प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर मतलब अब नहीं है, पहले जो थे प्राइम मिनिस्टर जिनको कि मिलिट्री के सपोर्ट की वजह से जीत हासिल हुई थी, अब वो अपने पैटर्न्स के अगेंस्ट टर्न हो चुके हैं। ठीक है, द मिलिट्री एंड दोज हु रन द कंट्री नाउ फियर ही माइट विन द नेक्स्ट इलेक्शन। अब सरकार मिलिट्री और जो इस देश को चलाते हैं उनको ये लग रहा है, इस बात का डर है कि ये अगला इलेक्शन बिना हमारी मदद के ना जीत जाए। ठीक है, द स्पेक्टिकल अराउंड द अटेम्प्टेड अरेस्ट ऑफ इमरान खान वॉज कमिंग टुगेदर ऑफ ऑल पाकिस्तान डिसफंक्शंस ऑल एट वंस। जो ये इमरान खान के अरेस्ट के अनुमान थे पहले से ही लगाए जा रहे थे, जब देखा गया कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा डिसफंक्शनैलिटी एक साथ आ गई है। ठीक है, हमने देखा कि 500-600 रुपए किलो आटा मिल रहा है, दूध बड़ा महंगा है, सिलेंडर गैस सिलेंडर 2-2, 3-3 हज़ार के मिल रहे हैं। तो जब इतनी सारी डिसफंक्शंस हो गए, फिर संसद नहीं चल रही, तो उस टाइम पे ही अनुमान लगा लिया गया था कि इमरान खान को अरेस्ट करने वाले हैं। आउस्टेड फ्रॉम ऑफिस ही मोबिलाइजेस हिज सपोर्टर्स इनटू फ्रेंजीड क्राउड। बोल रहे हैं कि अपने सपोर्टर्स को उनने बड़े ही बहुत बड़ी तादाद की भीड़ में इकट्ठा किया। द इलेक्शन गेट्स इलेक्शन कमीशन गेट्स द मेमो, और इलेक्शन कमीशन को क्या मिल गया, एक मेमो मिल गया। ठीक है, अब ये स्टार्ट कहाँ से होगा, ये स्टार्ट होगा जो है हमारा कि दिस इमरान खान के अरेस्ट की एक कयास जो है पहले ही लगाया जा रहे थे। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया कि उनके अरेस्ट होने से पहले ही उनके कयास लगाए जा रहे थे। फिर इमरान खान कौन है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको मिलिट्री के सपोर्ट के द्वारा ही इलेक्शन जीते थे और अब वो उन्हीं के अगेंस्ट हो गए, ये सेकंड स्टेटमेंट हो गया। अब इस चीज़ से मिलिट्री तो खुश नहीं हुई, वो क्या बोल रहे हैं कि उनको डर किस बात का लग रहा है कि ये दोबारा अपने दम पे इलेक्शन जीत जाएंगे। ठीक है, इस बात का उनको डर लग रहा है। अब वो ऑफिस में तो है नहीं और वो अपने सपोर्टर्स को लेके क्या झुंड के झुंड में चल रहे हैं, क्राउड में भीड़ में चल रहे हैं। ठीक है, फोर, और इलेक्शन कमीशन को इस बात की जानकारी मिल चुकी है, फाइव। ओके, तो आर पी क्यू एस टी, आर टी पी आर, आर पी एस क्यू टी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, बट परहैप्स मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इरिटेटिंग ऑफ ऑल फॉर द रेगुलर कम्यूटर, मतलब कोई भी सफ़र करने वाले यात्री जो हैं उनके लिए सबसे जो रेगुलर और मोस्ट कॉमन और मोस्ट सर्टेन जो एक कोई इरिटेटिंग चीज़ है वो, उसके बारे में बात की जा रही है, वो क्या है आगे देखते हैं। आर द जॉय राइडर्स हु स्पॉयल इट फॉर एवरीवन, जॉय राइडर्स हैं जो सबके लिए खराब कर देते हैं कुछ चीज़। देयर समथिंग डिस्टिंक्टली अर्बन एंड अर्बेन अबाउट द अनस्पोकन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कम्यूटर्स ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यानी कि किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जो उसके इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स है। ठीक है, जो कि कहीं लिखा नहीं गया बट आपको, आप फॉलो करते हैं और आगे भी करते रहेंगे और अभी तक करते आए हैं। तो वो एक किस्म से कुछ जैसे लोकोक्तियाँ होती हैं, किसी किसी जगह की कुछ कहानियां होती हैं, वैसे ही अरबेन कुछ लॉज बन गए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो सकता है कि कुछ रूल्स के बारे में जो पब्लिक ट्रांसपोर्टर यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट्स यूज़ करते हैं लोग, उनके लिए कुछ रूल्स के बारे में बात हो रही है।
फर्स्ट स्टेटमेंट ओपनिंग स्टेटमेंट हो सकता है. इट इज रूड फॉर एग्जाम्पल टू स्टेयर इन टू द बुक और फोन ऑफ पीपल पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू, यानी कि कोई आपके साथ में बैठा हो उसकी बुक में फोन में स्टेयर करना इज नॉट गुड. ऑन द बस और लूम पेल्विस फर्स्ट वेन यू आर स्टैंडिंग फेसिंग द सीटेड फेलो पैसेंजर, ठीक है, यानी कि आपको पेल्विस की तरफ से आपको ऐसे सपोर्ट लेके नहीं खड़ा होना चाहिए, और जिसमें आप उस तरफ जो आपके सामने जो पैसेंजर बैठा है उसकी तरफ हो, उसका फेस उस तरफ हो, ठीक है, वैसे नहीं आपको बैठना चाहिए, खड़े होना चाहिए. इट इज अ शेयर्ड स्पेस दैट एंड देयर इज एन एक्सपेक्टेशन ऑफ डिसेंसी एंड इवन प्राइवेसी. ये एक शेयर्ड स्पेस है और यहाँ पे भी हम लोग डिसेंसी और प्राइवेसी की उम्मीद करते हैं, राइट. लाइक कोई फैमिली बैठी है तो आप जाके नहीं उनके बीच में, वो अपनी आपस में हस्बैंड वाइफ कुछ डिस्कशन कर रहे हैं या फिर कुछ नहीं भी बात कर रहे, तो आप जाके उनसे चिट चैट कर लग जाएंगे और आपकी फैमिली में ऐसे होता है वैसे होता है फलाना, ऐसे नहीं करने लगते ना यूजली हम लोग. कुछ लोग होते हैं नोजी बट अदरवाइज नहीं करते हैं, है ना. तो ये हमारी सेकेंड स्टेटमेंट हो गई पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कंटेक्स्ट में. इसके बाद में बहुत रूड माना जाता है कि अगर आप किसी के फ़ोन में और बुक में स्टेयर करें, ये सेकेंड थर्ड हो गया फॉर एग्जाम्पल बताया जा रहा है. फिर उसके बाद में क्या हुआ, बट परहैप्स सबसे ज़्यादा कॉमन और इरिटेटिंग जो है वो क्या है, जॉय राइडर्स, यानी कि जो मस्ती खोर लोग होते हैं ना जो सबके लिए ख़राब कर देते हैं चीज़ें, वो है इन रूल्स को ख़राब कर देते हैं. यानी कि फोर्थ है पी और फिफ्थ है क्यू. तो हमारी स्टेटमेंट हो गई आर टी एस पी क्यू, आर आर टी आर पी, आर टी एस पी क्यू, ऑप्शन ए इज करेक्ट. इंडियाज लॉन्ग डिलेड रिफ्रेश फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हैज फाइनली बीन डैश. इंडिया की जो अभी तक की लॉन्ग डिलेड, मतलब अभी तक बड़े टाइम लंबे टाइम से जो नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हम लोग लागू करने वाले थे जिसके ऊपर डिले चल रहा था, वो अब क्या हो गई, फाइनली अब उजागर हो गई है, फाइनली अब इनॉग्रेट कर दी गई है, फाइनली अब अनाउंस कर दी गई है, ठीक है. द न्यू पॉलिसी अनाउंस ऑन फ्राइडे बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल्स पीयूष गोयल हैज मेड बोल्ड टू सेट एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ रीचिंग $2 trillion इन टोटल एक्सपोर्ट्स गुड्स एंड सर्विसेज कंबाइंड बाय 2030, यानी कि 2030 तक हम लोग $2 trillion का टोटल एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है. विद द गवर्नमेंट currently estimating exports to have crossed 760 billion. अभी जो अनुमान है उसके अनुसार हम 760 billion डॉलर का एक्सपोर्ट कर चुके हैं, इसके ऊपर हो चुके हैं इन द फिस्कल ईयर जस्ट एंडेड. कौन से साल में, 2022-23 वाले साल में. द पॉलिसी प्रोजेक्ट्स अ नियर ट्रिपलिंग इन द आउटबाउंड शिपमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द कोर्स ऑफ 7 years. यानी कि जो हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं गुड्स और सर्विसेज वो अगले 7 साल में ऑलमोस्ट ट्रिपल होना चाहिए, ठीक है, ये उनका प्लान है, प्रोजेक्ट है. एंड व्हेन वन कंपेयर्स दिस ग्रोथ गोल विद द 75% एक्सपेंशन अचीव्ड ओवर लास्ट 7 years सिंस 2016, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एस्पिरेशन सजेस्ट डैश एम्बिशियस, ठीक है. यानी कि अगर हम इसको देखें कि इस जो अभी तक के हमारे पिछले 7 साल की अचीवमेंट देखें, तो उस जो हमने 75% तक का टारगेट अचीव किया है, तो उसके सामने ये जो मैग्नीट्यूड है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगता है, काफ़ी छोटा सा लगता है, किस तरीके का एम्बिशन लगता है, ठीक है. टू बी श्योर द लास्ट 3 years हैव बीन अनप्रेसिडेंटेड विथ फर्स्ट COVID-19 पेंडेमिक एंड देन रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन डिसरप्टिंग ग्लोबल ट्रेड मोमेंटम. तो अगर हम पिछले 3 साल देखें जिसमें काफ़ी अनसर्टेन सी चीज़ें हुई, जैसे कि पहले COVID-19 आ गया, फिर रशिया यूक्रेन डिस्प्यूट चल पड़ा जिसने ग्लोबल ट्रेड का मोमेंटम जो है ख़राब किया है, ठीक है. स्टिल द लास्ट 3 years व्हेन इंडिया पुट इट्स ट्रेड पॉलिसी रीसेट ऑन होल्ड ऑल्सो प्रोवाइडेड पॉलिसी मेकर्स अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू टेक अ फ्रेश अप्रोच टू डैश दी डैश ऑफ इट्स ट्रेड पॉलिसी. यानी कि जब पिछले 3 सालों में इंडिया ने अपनी ट्रेड पॉलिसी को होल्ड पे रखा हुआ था, रीसेट करने के लिए होल्ड पे रखा हुआ था, यानी कि हमने रीसेट नहीं किया, ठीक है. तो उस टाइम पे क्या हुआ कि रीसेट करने के लिए होल्ड पे किया, तो
पॉलिसी मेकर्स को नए नए आइडियाज़, नई नई चीज़ें मिल गई सोचने के लिए, ठीक है, कि हम अब नए तरीके से कैसे इसको रिफ्रेश या रिवाइव करें, या फिर नई चीज़ें कैसे इसको शेप करें, क्या इसमें हम लोग ब्लूप्रिंट्स लाएं, क्या इसमें नई टेक्निक्स यूज़ करें, ठीक है, वो चीज़ उसको सोचने का टाइम मिल गया। द एंड रिजल्ट इज़ लॉन्ग ऑन स्टेटमेंट्स ऑफ इंटेंट, जो अब अंत नतीजा आया है, अभी इसको लंबा टाइम लगेगा देखने के लिए कि क्या इसका रिजल्ट आता, आउटकम आता है। द नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन एक्शन प्लान फॉर इंस्टेंस लिस्ट एम टू अचीव दैट आर एसेंशियल एंड डैश बट इन नो वे नोवल। तो बोल रहे कि नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन एक्शन प्लान जो है, अगर अभी के लिए इसको देखें तो इसमें ऐसी कुछ बहुत ज़रूरी और कुछ चीज़ें अचीव करने की बात कही है, बट ये जो चीज़ें उन्होंने बोली हैं उसमें ये कोई नई चीज़ें नहीं है, पहले भी हम इनके बारे में बात करते आए हैं। एंड इम्प्रूवमेंट इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस थ्रू रिडक्शन इन ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड टाइम, कि बिजनेस करने में आसानी हो, ताकि कैसे, ताकि हम ट्रांजेक्शन के लिए जो कॉस्ट और टाइम लगता है उसको रिड्यूस कर सके, जिसकी वजह से हमें बिजनेस करने में आसानी हो, ठीक है। रिडक्शन इन कार्गो रिलीज टाइम, कार्गो जल्द से जल्द रिलीज किया जाए, एंड पेपरलेस रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। ये सब चीज़ों के बारे में हम पहले भी बात करते आए हैं, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ नया वो लेकर आए, तो नया नहीं लेकर आए, पहले जो चीज़ें हुई हैं, बात हुई है, पहले भी कभी हुई होगी, उसके बारे में ही बात करिए। इंडिया इज लॉन्ग डिलेड रिफ्रेश्ड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हैज़ फाइनली बीन अवेल्ड। अवेल्ड मतलब होता है कि यूटिलाइज कर ली गई है, अनवेल्ड मतलब होता है इसके ऊपर से पर्दा उठा दिया गया, रिलीज कर दी गई, ठीक है। बिकाम मतलब होता है इमोबिलाइज करना, स्टिल हो जाना, यानी कि किसी जगह पे स्थिर हो जाना। सेटल्ड, सेटल्ड मतलब कुछ चीज़ आप कहीं पे सेटल हो गए, कोई चीज़ जो है आपका डिस्प्यूट था वो आपका रिजॉल्व हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी अनवेल्ड इज करेक्ट। एंड व्हेन वन कंपेयर्स दिस ग्रोथ गोल विद 75% एक्सपेंशन ओवर द लास्ट 7 ईयर्स सिंस 2016, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एस्पिरेशन सजेस्ट दैट डैश एम्बिशन एनेबलिंग, एनेबलिंग मतलब होता है कि आप किसी को पावर दे रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं, ऑथोराइज कर रहे हैं। लूमिंग, लूमिंग मतलब होता है कि बड़े ही धमकी भरे सुर में, ठीक है। वॉल्टिंग, वॉल्टिंग मतलब होता है स्काई हाई, ठीक है। तो ये जो एम्बिशन है वॉल्टिंग लगता है, बड़ा ही स्काई हाई। प्रेसिंग, प्रेसिंग मतलब अर्जेंट और क्रूशल, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्टिंग, सी वॉल्टिंग इज करेक्ट, जो कि बड़ा ही स्काई हाई लगता है, बड़ा ही ऊंचा एम्बिशन लगता है हमारे देखने में, अभी जो हमने पिछले 6-7 साल का अगर अपना टारगेट जो हमने अचीव किया उसको देखे तो। स्टिल द लास्ट 3 ईयर्स वेन इंडिया पुट इट्स ट्रेड पॉलिसी रीसेट ऑन होल्ड ऑल्सो प्रोवाइडेड पॉलिसी मेकर अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू टेक अ फ्रेश अप्रोच टू डैश डेलिनिएट। डेलिनिएट मतलब होता है किसी चीज को आउटलाइन करना, डिस्क्राइब करना, ठीक है। इनसाइट, इनसाइट मतलब होता है किसी चीज को इग्नाइट करना, इनफ्लेम करना। एक्सपीडिएट मतलब होता है फास्ट करना, ठीक है, एक्सेलरेट करना। या सब्सटैंशिएटिंग, सब्सटैंशिएटिंग मतलब किसी को वैलिडेट करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेफिनेटली अपनी अप्रोच को क्या कर रहे हैं, एक्सपीडिएट कर रहे हैं। ऑप्शन सी एक्सपीडिएट इज करेक्ट।